नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नितिन बौद्ध जी, जो विधानसभा चुनाव से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव हैं वर्तमान, और जो है जिस तरह से बीएसपी की करारी हार हुई है, सारे युवा जो है बरगला गए हैं, कहिए तो सोशल मीडिया पे ऊट पटांग लिखते हैं, और ये भी युवा हैं तो इनसे भी जानेंगे कि युवा अब किधर जाएगा, हार कर बैठ गया है एकदम। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आप हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है। देखिए, युवा हारा नहीं है, ठीक है। देखिए, जब भी क्रांति होती है तो युवाओं के द्वारा होती है, तो हमें आज भी अपनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी पर भरोसा है कि वो आज भी युवाओं को मार्गदर्शन देने का काम करेंगी। हाँ, ये जरूर है कि मैं माननीय बहन जी से एक निवेदन है कि जैसे राजनीति के क्षेत्र में युवा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, तो एक बसपा में युवाओं के लिए एक विशेष तरीके से माननीय बहन जी जो है ऐलान की थी कि जो है बहुजन समाज पार्टी में युवाओं को 50% की भागीदारी दी जाए, लेकिन जो है चुनाव भी बीत गए, 1% जो है भागीदारी नहीं दी गई। हाँ, भागीदारी नहीं दी गई क्योंकि युवाओं को जब तवज्जो नहीं दी गई, इसी का भुगतान हम लोग को मिल रहा है जो हम लोग चुनाव हारे हैं। युवाओं का देखिए, चुनाव हारना सबसे बड़ी तो हमारी एक कमी है कि 50% तो मैं मानता हूँ कि ये हमारा चुनाव अफवाहों में गया है। जैसे कि सपा ने एक ट्रेंड चलाया कि माननीय बहन जी को चुनाव के बाद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति बनाएगी, ठीक। तो मैं जो लोग काफी लोग उससे गुमराह हो गए, तो उन्होंने सपा को वोटिंग किया, ठीक है। उनसे हमारा सवाल है कि जब विधानसभा चुनाव में बसपा लड़ रही थी, सपा भी लड़ रही थी, तो सपा वालों ने कहा कि क्या कहते हैं, बहन जी को बीजेपी राष्ट्रपति बनाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। अभी हाल ही में MLC का चुनाव हो रहा है, MLC के चुनाव में पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों से कि आप लोगों ने दलित समाज को कितना टिकट दिया है, कितने MLC के प्रत्याशी आप लोगों ने दलित समाज से दिया है। सोचिए, जो बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी दलित समाज को MLC बनाना नहीं चाहती है, वो राष्ट्रपति बनाना कैसे चाहेगी। जो है समाजवादी पार्टी में खासकर जो है SC समाज के जो BSP के कोर वोटर माने जाते हैं, पासी समाज के युवा भी खास तौर पे। देखिए, हमने तो कह दिया हमारा चुनाव गुमराही में गया है, क्योंकि हमारे अधिकतर लोग जैसे जो बीजेपी से नाराज लोग थे, तो उन्होंने सपा को वोटिंग कर दिया। कि मीडिया ने भी बहुत अच्छी तरीके से सपा को दिखाया कि बीजेपी से अगर कोई टक्कर ले सकती है, बीजेपी को कोई हरा सकती है तो वो सपा है। तो हमारे समाज के लोग जो बसपा का कोर वोटर भी था, तो बीजेपी को हराने के लिए कहीं ना कहीं सपा को वोटिंग किया है। तो आपका कहना है कि जो है अफवाहों में जो है बसपा हार गई, अफवाहों में हार गई कि ना, 50% हमारी भी है कि जो हम लोगों ने मेहनत, देखिए हम लोगों का एक कर्तव्य है कि हम अपने हर एक बूथ पे, हर एक गांव में घर घर जाके हम लोग बसपा के लिए वोट मांगे, हम लोग हर घर तक नहीं पहुंच पाए, ये हम लोगों की कमी है, इसको हम स्वीकार करते हैं। तो आगे के चुनाव के लिए क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, आगे के चुनाव के लिए रणनीति है कि जैसे हम युवाओं को अच्छे स्तर की जिम्मेदारी दी जाए, युवाओं को इकट्ठा किया जाए, और सबसे बड़ी चीज है कि कैडर पुनः चालू किया जाए। क्योंकि देखिए, युवाओं में बहुत अच्छी चीज है, वो लड़ना तो जानते हैं, लेकिन जब तक उनको ये पता नहीं होगा कि वास्तविकता में हमारा मिशन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, अगर हमको लक्ष्य के बारे में पता नहीं होगा तो कभी भी हम संघर्ष तो करेंगे, लेकिन वो संघर्ष भी गलत तरीके से किया जाएगा, हम लोग कभी मंजिल हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक हमारे मिशन को समझाने के लिए, हमारे लक्ष्य को बताने के लिए कैडर बेहद जरूरी। आप कैडर की बात कर रहे हैं जी, कैडर तो जो है माना जाए इस समय जो है पार्टी से बाहर भी है, जयप्रकाश सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है इस समय, और बसपा के अंदर भी नहीं है, बाहर भी है जो है, और माननीय कांशीराम साहब की तरह जो है कैडर को लेकर चल रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी जो है उनको अंदर नहीं ले रहे हैं, क्या? देखिए, बसपा का जो पदाधिकारी है, बसपा के लोग अधिकतर तो ऐसा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो भी समर्थक है वो बसपा के कभी पद के मोहताज नहीं है, पद की उनकी कोई लालसा नहीं रहती है, और वो बसपा की निस्वार्थ भावना से बसपा के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। कुछ लोग जो है आरोप लगाते हैं कि BSP इसलिए हारी कि जो है कोऑर्डिनेटर जो सौदा कर लिए थे BJP से, क्या कहेंगे? देखिए, कमियां तो यही भी हुई है, क्योंकि जैसे हमारी जो विधानसभा चुनाव रही है, पूरे चुनाव विधानसभा पूरे लगभग महीनों का चुनाव रहा, महीने दो महीने का, एक बार भी कोई भी बड़े स्तर का नेता कोऑर्डिनेटर यहाँ पे दर्शन नहीं दिया। तो जब हमारे कोऑर्डिनेटर जब यहाँ पे आएंगे नहीं, अपने समाज को जोड़ेंगे नहीं, तो हमें वोट कैसे मिलेगा?
कोऑर्डिनेटर यहाँ से जो है मुख्य चेहरा देखा जाए तो अशोक गौतम जी हैं जी। क्या आरोप उनके ऊपर है सीधा सीधा? नहीं, आरोप देखिए कहने का मतलब यह कि उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, मैं सबको देखिए कहीं ना कहीं गलती तो कम ज्यादा सबकी रही है। जिस तरह से सभी लोग जो है हार का आरोप जो है मुख्य कोऑर्डिनेटर अशोक गौतम के ऊपर लगाते हैं, क्या नहीं देखिए जैसे हार का जो नेतृत्व कर रहा था तो हार की जिम्मेदारी तो उसको ही लेना चाहिए, तो उसकी जिम्मेदार तो वही ठहराए जाएंगे। हार के बाद जो है बीएसपी के बड़े नेता कोई भी कोऑर्डिनेटर सामने नहीं आया कि हार को एक्सेप्ट कर ले और युवाओं के अंदर एक जोश अलग सा पैदा करे आगे की चुनाव। यही तो उनकी कमी है ना, वो कभी भी युवाओं को संदेश नहीं देते, वो कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच संदेश नहीं देते, वो कभी भी ना तो वोट मांगने के लिए बसपा के लिए वोट मांगने के लिए जाते हैं, वो सीधा सा उनका एक सीधा सा सिद्धांत है, टिकट बंटवाते हैं उसके बाद एसी रूम की हवा खाते हैं सीधी। जिस तरह से बीएसपी की करारी हार हुई उसके बाद जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी एक भी दिन नहीं दिखे, या माना जाए कि बहन जी के साथ नहीं दिखे, या सोशल मीडिया पे नहीं दिखे, या चुनाव हारने के बाद जो है लाइव नहीं आया कुछ भी कि युवाओं को जोश दे अलग से कि अगले चुनाव में क्या करना है, वो हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव से आप बाहर है या राजनीति से बाहर है, बहुजन समाज पार्टी से बाहर है, क्या कयास लगा रहे हैं? देखिए वो बाहर हो या ना हो, लेकिन मैं जहां तक मेरा यह समझना है, मैं समझता हूं कि अब जो बीएसपी की जो विचारधारा है उससे सतीश चंद्र मिश्रा जी को बाहर कर देना चाहिए और पुनः सर्वजन हिताय से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे बीएसपी को पुनः लौट आना चाहिए, जिस मुद्दे को लेकर हमने उत्तर प्रदेश में चार चार बार सरकारें बनाई है, ठीक है? जैसे कि आप अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो जब हम 15 और 85 के मुद्दे पर थे तो हमारे एमएलए की संख्या बढ़ती थी, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ मनुवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं से लागू होना शुरू हुई, हमारे बीच में मनुवादी उन्होंने घुसपैठ करना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं हम 200 से फिर आज 0-1 तक। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, सर्वजन हिताय और सर्वजन हिताय की बात, आज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करने की बात कर रहे हैं और आप बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव हैं, आपको जो है पार्टी के गतिविधियों से बताकर हवाला देकर पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए मैं सत्य बोलता हूँ, हमने पहले ही कह चुका हूँ मैं कि जिनके मजबूत होते हैं वो बिना पद के मजबूत होते हैं, ठीक है? हम पद के पद आपका एक संबोधन है, लेकिन आपकी मेहनत आपका संघर्ष ये आपकी पहचान है, हमें अपनी पहचान चाहिए, अपना संबोधन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ जैसे 15 और 85 कि जिसके दम पे हमने उत्तर प्रदेश में सरकारें बनाई है, तो हमें फिर से उन्हीं मुद्दे पर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने 15 के ऊपर बहुत भरोसा किया, हमने हद से ज्यादा उनको मान सम्मान इज्जत दी, लेकिन उन्होंने हमें पुनः रिटर्न में कुछ नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी की करारी हार का जो है किसके ऊपर आरोप लगाएंगे कि जो है माना जाएगा विधानसभा अध्यक्ष जो है इलाहाबाद के जिला अध्यक्ष या कोऑर्डिनेटर या बूथ लेवल के ऊपर किसकी कमी है? हाँ। नहीं, बूथ लेवल तो काम करना चाह रहा था, देखिए बूथ को तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो विधानसभा की है, विधानसभा की जिम्मेदारी वो सेक्टर को तैयार करे, बूथ को तैयार करे, लेकिन यहाँ तक कि चुनाव भी खत्म हो गया लेकिन जैसे हमारी विधानसभा में बूथ और सेक्टर तैयार नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार विधानसभा के मालिक होंगे, जो विधानसभा के अध्यक्ष वो होंगे या अन्य विधानसभा के जिम्मेदार पदाधिकारी होंगे, सभी हैं जिम्मेदार, हम भी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे भी गलती है, ठीक है? तो उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है हार की वो कोऑर्डिनेटरों पर है, क्योंकि इन्होंने जहां तक मैं समझता हूं कि विरोधी दलों से पैसा लेकर के हर विधानसभा में डमी कैंडिडेट उतारने का काम किया। जिस तरह से आप जो है मुख्य कोऑर्डिनेटर के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि पैसा लेकर जो है बिक जाते हैं बीजेपी के तरफ, बीजेपी से पैसा लेते हैं, वहीं जो है कुछ दिनों पहले जो है विधानसभा सुराव से अजय पासी जी है, कभी जिला अध्यक्ष रहा करते थे, उनसे भी हम खास बातचीत किए थे, वो कह रहे थे कि मंडल कोऑर्डिनेटर जो है डमी कैंडिडेट उतारते हैं और वो आरोप आप ही लगा रहे हैं और उनका कहना आज सही हुआ और ये बात सत्य हो रही आपके द्वारा भी कि आप जो है कोऑर्डिनेटर के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं कि पैसे से बिक जाते हैं। जी बिल्कुल बिक जाते हैं, क्योंकि अगर जैसे हमारी सुराव विधानसभा है, ठीक है, सुराव विधानसभा में हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की थी, तो ठीक है सुराव विधानसभा का जो कैंडिडेट था उसको नैनी से लाकर उठाकर फेंक दिए थे, सुराव विधानसभा में क्या कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था या कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको चुनाव लड़ाया जा सके, तो जैसे कि अगर सुराव विधानसभा कोई भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता चुनाव लड़ता तो कहीं ना कहीं 10-15 हजार उसको प्लस उसके पर्सनल व्यवहार से वोट मिलते, लेकिन जैसे कोई बाहर से अगर चुनाव लड़ता है तो सिर्फ जो बीएसपी का वोट बैंक है उसी तक वो सीमित रहता है, तो कहीं ना कहीं हार का यह भी बहुत बड़ा कारण है। बहुजन समाज पार्टी में अब तो कार्यकर्ताओं को नहीं देखा जाता है,
पैसा कोई लाकर फेंकता है तो रातों रात जो है टिकट कट जाता है, दूसरे को टिकट दे देता है। हाँ तो ये कोऑर्डिनेटर भी जाते हैं, हमने तो पहले ही कह दिया ना कोऑर्डिनेटरों की गलती है। वो क्या कहते हैं, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं कि विधानसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था इसलिए कह रहे हैं। नहीं विधानसभा में बिल्कुल प्रत्याशी, क्या प्रत्याशी नहीं थे, क्या सुना विधानसभा क्या समझते हैं, विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे लेकिन कोई उससे ज्यादा पैसा दे रहा है तो कोऑर्डिनेटर जो उसको लाके पटक दिए पैसे के दम पे जो है प्रत्याशी। हाँ वही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कि एक तरीके से कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना, जैसे सुराम विधानसभा के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे इग्नोर किया गया है। जैसे कि सुराम विधानसभा, अच्छा ये बताइए क्या इतनी बड़ी सुराम विधानसभा में जहाँ पर क्या कहते हैं बसपा का कोई एक ऐसा प्रत्याशी नहीं मिलेगा, आप ये बता दीजिए प्रत्याशी मिलेगा ना, तमाम लोग तैयार थे चुनाव लड़ने के, हमारे पास तमाम लोग मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन हमको बाहर का प्रत्याशी दे दिया गया, तो ये पूर्णता पहले से ही डमी कैंडिडेट दिया गया था, कैंडिडेट भी जो है फिक्स हो गए थे जी। टीवी चैनलों पे जो है डीएनएम हिंदी जो एक चैनल है वो भी प्रसारित कर चुका था कि सोराव से जो है टिकट मिल चुका है अजय पासी जी को, उसके बाद दो दिन बाद जो है अनंत पासी जी को दे दिया जाता है। देखिए न्यूज चैनल क्या चलाते हैं इस पर हम विश्वास नहीं रखते, हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर पैड क्या कहता है, उनका आदेश क्या कहता है, हम उसको प्रत्याशी मानते हैं। जिस तरह से बीएसपी की करारी हार हुई, पूरा का पूरा आरोप जो है नितिन बौद्ध जी का मुख्य कोऑर्डिनेटर अशोक गौतम के ऊपर जाता है कि अशोक गौतम जो है पैसे से बिक जाते हैं, बीजेपी से पैसा लेते हैं, ये है वो है। और आखिरी सवाल यह है कि युवाओं से क्या कहेंगे। देखिए युवाओं से यही कहेंगे कि अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बिगड़ा है, हम लोगों ने पानी भी संघर्ष करके पिया है। देखिए हम हमारे एक इतिहास रहा कि माननीय दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाया था, क्योंकि उन्होंने पहाड़ को समस्या बनाया था ना कि समस्या को पहाड़ बनाया था। तो यही कहना चाहते हैं कि संघर्षों के सहाय इतिहास हमारा पलता है, इस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, आप परेशान मत होइए, आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा, आपको एक ऐसा मार्ग मिलेगा जो आपको सत्ता तक पहुंचाएगा। तो हमारे साथ में मौजूद थे नितिन बौद्ध जी जो सोराह विधानसभा से बिलोंग करते हैं और जिला सचिव वर्तमान में हैं, और आगे की रणनीति क्या होगी युवाओं से अभी ऐलान भी किए हैं कि खैर जो सबर रखिए आगे की राजनीति में हम जरूर